हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज़ किचन में। गीताज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन प्री मिक्स। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप लंबे समय तक इसे स्टोर भी करके रख सकते हो और कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। इवन बच्चे भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है नींबू, तो किसी ना किसी रूप में नींबू को हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन प्री मिक्स। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे नींबू लिए हैं, ताजे और बढ़िया नींबू लेने होंगे आपको, इसमें पतले छिलके वाले जिसमें जूस जो है ज्यादा हो। और साथ में हमने ली है चीनी। तो चलिए बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे लेमन प्री मिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आधा कप नींबू का रस निकाल लिया है। अगर बीज वगैरह है आप इसे छान भी सकते हो। और अब हम लेंगे एक बड़ी सी प्लेट जिसके किनारे इस तरीके से ऊंचे होने चाहिए ताकि जो नींबू का रस है वो अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पे हम नींबू के रस को फैला देंगे। तो आप देख सकते हो आधा कप के करीबन मैंने नींबू का जूस लिया है और इसमें हम डाल देंगे 4 आधे कप, यानी कि 2 कप हम चीनी हम इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपने आधी कटोरी नींबू का रस लिया है तो आपने 4 आधी कटोरी चीनी लेनी है। और इसे हम अच्छे से फैला देंगे। नींबू के रस में हमें मिलाना है इसे। तो ये चीनी मैंने पहले से ही नाप के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे मेजर करके दिखा रही हूँ आपको। और इसी तरीके से हम सारी चीनी को इसमें डालेंगे। तो 4 आधे कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है, इसे मैंने नींबू के रस में मिला दिया है और इसे हम अच्छे से फैला देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने चीनी को चारों तरफ फैला दिया है और इसे हम पंखे के नीचे रख देंगे 6-7 घंटे के लिए। और इसे हमने बीच बीच में नहीं चलाना है क्योंकि ज्यादा चलाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। हमें इसे 6-7 घंटे के बाद ही इसे एक बार हिलाना है। तो इसे हम सुखाने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, उसके बाद हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 7-8 घंटे के बाद हमने देखा कि जो चीनी है उसने नींबू का रस अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और ये एक तरह से जम सी गई है। अब इसे हम चम्मच की सहायता से हल्का हल्का निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे ज्यादा समय के लिए भी रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया है और इसे अब फिर से हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये और अच्छे से सूख जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो चीनी ने नींबू का रस पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और चीनी जो है ड्राई हो गई है। मैंने इसे पंखे के नीचे 7-8 घंटे तक सुखा लिया था और अब हम इसे मिक्सी में डाल के इसका महीन पाउडर बनाएंगे। तो चलिए मिक्सी में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे चीनी और नींबू के जो मिक्सचर है उसे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। इतना पीसेंगे कि ये महीन पाउडर बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने मिक्सी में इसे अच्छे से पीस लिया है और बहुत ही महीन पाउडर बना लिया है।
तो दोस्तों देखा आपने कितनी जल्दी प्रीमिक्स बनके तैयार हो गया है। जब भी आपने बनाना हो तो इसके एक या दो चम्मच जितनी भी आप मात्रा में बनाना चाहते हैं उसी क्वांटिटी में आप इसे गिलास में डालिए और उसमें आप भुना हुआ जीरा या फिर अपने स्वाद के अनुसार मसाले ऐड कर सकते हो, जैसे कि भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर या फिर पुदीने के पत्ते, कुछ भी आप डालिए और बस घोल के तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों देखा आपने नींबू शिकंजी का प्री मिक्स बना के तैयार कर लिया है। तो दोस्तों शिकंजी का प्री मिक्स बन के तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया प्री मिक्स बना है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, कांच के जार में आप इसे डालिए और स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपने शिकंजी बनानी हो तो आप इस प्री मिक्स को डालिए और ऊपर से ठंडा पानी डालिए, साथ में अगर आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार मसाले भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसे सर्व करने के लिए हम यहाँ एक गिलास लेंगे और उसमें हम डाल देंगे नींबू और लेमन का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है। जितना भी आप खट्टा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिक्सर डाल सकते हो। तो एक गिलास में करीबन मैं 2.5 चम्मच मिक्सचर ले रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और इसमें हम डाल देंगे आइस क्यूब्स, जितना आप ठंडा रखना चाहते हो उसी हिसाब से आप आइस को ऐड कर सकते हो। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से पुदीने के पत्ते, हल्के से हाथ से क्रश करके। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। और इसे हिला देंगे, अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पानी पहले डाल के भी मिक्सचर को मिक्स कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बहुत ही बढ़िया लेमोनेड बनके तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। आप इसे जल्दी से पहले आप इसे तैयार कर लीजिए और आप किसी भी डब्बे में डाल के इसे स्टोर करके रख सकते हो। और जब भी बनाना हो इस मिक्सचर को डालिए और उसमें पानी ऐड करके ठंडा ठंडा लेमोनेड बनाकर पीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ठंडक देने वाला होता है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी जल्दी से हमने इसे तैयार कर लिया है। पीने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ठंडक देने वाला होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों लेमोनेड बनके तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।